और हम रेडी हो चुके हैं घूमने जाने के लिए, तो हम अब जाएंगे घूमने और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो बताइए मेरा लुक कैसा लग रहा है। मैंने बिल्कुल सिंपल में तैयार हुआ है, ये देखिए दोस्तों, मैंने बिल्कुल सिंपल में तैयार हुआ है। तो बताइएगा कि मेरा ये लुक कैसा लग रहा है आपको। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम घूमने के लिए आ गए हैं और यहाँ पे जो हम रुके हैं फ्रेंड्स, ये यहाँ का पूरे ये शहर का सबसे बड़ा पीएम मॉल है। जो भी लोग जमशेदपुर से होंगे ना, इस मॉल के बारे में अच्छे से जानते होंगे। इतना बड़ा मॉल है कि मुझे अंदाज़ा नहीं कि ऐसा मॉल दिल्ली मुंबई में भी होगा। ये बहुत बड़ा मॉल है, जो यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मैं आपको दिखा रही हूँ ना, लास्ट तक मॉल ही हैं। इसमें कई ऐसे चीज़ है, कई वैसे चीज़ है, मतलब अंदर अगर आप देखेंगे ना तो सच में फ्रेंड्स आप बिलीव नहीं करेंगे। इतना बड़ा मॉल है, इतना बड़ा बड़ा मॉल है ना कि मैं बता नहीं सकती कि कितने इसमें क्या चीज़ें हैं। अगर आप एक दिन पूरा सुबह से घूमने बैठोगे ऊपर से नीचे तक ये मॉल, तो कई फ्लोर में, ये 5 की 4 फ्लोर में है, तो आपको रात हो जाएगी मॉल घूमते घूमते। बट आपका जो मॉल घूमना है वो ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से मॉल को मतलब अभी रिकॉर्ड करके आपको बाहर से ही दिखा रही हूँ। देखिए बाहर का कुछ इस तरीके से इसका नज़ारा है, इतना ज़बरदस्त इसका बाहर से नज़ारा है, उससे कहीं लाख गुना अंदर का नज़ारा है। तो देख सकते हैं बाहर के लोगों को भीड़ लगी रहती है, लोग फ़ोटो लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। और नवरात्रि थी ना, तो नवरात्रि के जगह स्पेशली आगे में जो वो बनाया हुआ है ना वो, तो ये देखिए वह अंदर हम जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। तो उससे पहले हमारे पर्स को मशीन में डाला जाता है चेक करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं, फिर लेडीज़ को अलग चेक, जेंट्स को अलग चेक। सॉरी गाइस, मुझे नींद जैसी आ रही क्योंकि मैं 4 बजे सुबह में वीडियो एडिट कर रही हूँ। कई दिन से वीडियो एडिट नहीं कर पा रही हूँ, ये वीडियो ब्लॉग जा नहीं रहा है, मेरा तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, तो इस वजह से मैं 4 बजे मेरी नींद खुल गई मॉर्निंग में। तो मैं सोची क्यों ना मैं एडिट करके आज इसे पोस्ट कर ही दूँ। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ और ये पीछे मेरी बेटी है, और ये देखिए मेरी बेटी सीढ़ी पर चढ़ रही थी, उतर रही थी, बार बार जा रही थी आ रही थी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे पुतले हैं, मतलब बहुत अच्छा अंदर से है। ये तो मैं सिर्फ अभी एक नीचे फ्लोर पे ही आपको दिखा रही हूँ, अंडरग्राउंड में भी है, ऊपर में भी है। फिर हम फ्रेश बाहर निकल आए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घूम रही थी। फिर अगर अंदर हम जाएंगे तो फिर ये देखिए अगर अंदर गए, इसमें नायका का भी ये खुल गया है, और क्या बोलते हैं इसका गुड नायका का, और दो खुला हुआ है दोस्तों, एक नायका का तो खुला हुआ है और एक मुझे लगा कि क्या बोलते हैं गुड वाइफ से का शायद, ऐसे करके कोई और है ना जो याद नहीं आ रहा दोस्तों, ध्यान पे नहीं आ रहा मुझे। बट नायका का शोरूम यहाँ पे खुला हुआ है और एक शोरूम खुला हुआ है, बहुत ही अच्छा है, मतलब 2 शोरूम यहाँ पे खुल गए हैं जो कि हम ऑनलाइन परचेस करते हैं, मंगाते हैं। तो वहाँ पे नायका का और पर नाइप का और कुछ का शोरूम खुला हुआ है फिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे किफ़ायत। तो यहाँ पर देखिए मैं मेरी बेटी की पिक्चर ले रही हूँ, बेटी मेरी से मुझसे बोली कि मेरी फ़ोटो निकाले मम्मा, तो मैं उसकी फ़ोटो निकाल रही हूँ। और ये देख सकते हैं बहुत लंबा चौड़ा है दोस्तों, अगर आप बोलते रहे सुबह से घूमने बैठेंगे तो शाम हो जाएगी। और जो लोग जमशेदपुर से हैं ना, इस पीएम मॉल के बारे में उनको पता होगा, तो उनको पता है कि कितना बड़ा ये मॉल है। बहुत बड़ा मॉल है दोस्तों, सच में इतना बड़ा मॉल मैं अभी शायद मुंबई दिल्ली कहीं नहीं देखी हूँ।
और ये जो मुंबई के कोई क्या नाम बोलते हैं ना, वही यहाँ पे मॉल बनाए हैं, और बहुत ही बढ़िया मॉल है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। मेरी बेटी को तो इतना पसंद आ रहा था, अब जाने का नाम नहीं लेती, लेकिन हमें और भी जगह घूमना था ना, तो हम सोचे कि यहाँ पे अपना घूम फिर के फिर कहीं और घूमने जाएंगे। रास्ते में पड़ता है ना, जब मैं उधर से आया तो रास्ते में पड़ रहा था, तो हम भी उतर के गए चलो थोड़ा घूम लेते। और यहाँ पर मेरी पिक्चर मेरे हस्बैंड खींच ले रहे थे, बोले यहाँ पर पिक्चर बहुत अच्छा आएगा, सब कोई वहाँ पर खड़े हो के पिक्चर ले रहे थे दोस्तों, तो मेरी भी पिक्चर ले रहे थे, और सच में बहुत अच्छा है दोस्तों। तो हम लोग नवरात्र नवमी को कन्या पूजन के बाद शाम को निकले थे घूमने के लिए, तो शाम को बहुत अच्छे से घूमा, क्योंकि अगले दिन सुबह में हमें विजयदशमी का मूर्ति विसर्जन भी करना है, तो उसकी वीडियो भी इसी में आगे आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में डाल रखा है। तो यहाँ पे मैं घूम रही थी और मैं अपने हस्बैंड से बात भी कर रही थी, बोल रहे थे मेरे हस्बैंड के अच्छे से वीडियो बना लूँ, और एक तो फास्ट का था ना, ऊपर चढ़ने का मन नहीं कर रहा था ना ही नीचे जाने का, मैं बस थोड़ा बहुत घूमी। बहुत ज़्यादा की नींद आ रही है दोस्तों, नींद मतलब ऐसे आ भी नहीं रही है और लग भी नहीं रही है, उस वाला हाल है। और ये देखिए मैं सीढ़ी के पास बार बार जा रही थी कि मैं भी इस पे चढ़ूंगी, बट उस दिन क्या हुआ कि मेरे सर में इतना ज़्यादा पेन था ना कि मैं इस पे चढ़ नहीं पा रही थी, जा रही थी और भाग आ रही थी, मेरी बेटी के चलो चलो, मेरे हस्बैंड को जाओ चढ़ो चढ़ो, हम नहीं नहीं जाएंगे। तो ऐसे मैं चढ़ जाती हूँ, बहुत आराम से उतरती हूँ चढ़ती हूँ, बट वो होता है ना बहुत दिन आदत छूट जाता है तो थोड़ा सा दिल घबरा जाता है, तो वही मेरा हाल है। मैं बहुत दिनों बाद जाती हूँ मॉल में, क्योंकि दूर है और आपको पता है कि ये सब महंगे मॉल में, तो भाई जब जाइएगा तभी पैसे का ही खेला है। और ये देखिए मैं अपनी वीडियो ही बना रही थी, और ये मेरी वीडियो तो मैंने ही चढ़ी, फिर अंदर से आ गई इधर घूमने के लिए, तो वही हम बहुत अच्छे से घूमे फिरे, तो आगे और हमें घूमने को मिलेगा, तो आप इंजॉय कीजिए। और ये देखिए दोस्तों ये हम आ गए पंडाल, जहाँ हम गए थे पीएम मॉल है ना उसी एरिया में ये पंडाल होता है, ये मलखान सिंह का पंडाल जाना जाता है। कई जगह पंडाल बनने की अनुमति नहीं दी, बट यहाँ पे ये मलखान सिंह जो है ये इनका पंडाल बन चुका था, और ये बहुत ही प्रीटी पंडाल था सच में दोस्तों, बहुत ही अच्छा पंडाल था ना, मतलब कोई पंडाल नहीं बनाने की वजह से भी इन्होंने इतना अच्छा सा पंडाल बना दिया छोटा सा, कि क्या ही बताया, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर था। जैसे ऑर्डर था कि यहाँ पे कि मूर्ति छोटी रखी जाएगी, पंडाल एंड खुला बनेगा, कहीं भी कुछ नहीं हुआ, तो उसी टाइप का इन्होंने पंडाल बना दिया। ऐसे यहाँ का हर साल का फेमस पंडाल मलखान सिंह का ही होता है, और यहाँ पर हर साल इतनी कतार में लंबी लाइनें लगती हैं कि क्या बताऊँ दोस्तों, सुबह से शाम हो जाती है, और जिनके पास पासेस होते हैं ना वो तो जल्दी ही, तो मेरे हस्बैंड के पास पास मिल जाता था, तो हर साल मुझे लाइन नहीं लगना पड़ता है था, सीधे डायरेक्ट हम वीआईपी गेट से ही चले जाते थे, तो क्योंकि हमें पास मिल जाता था, तो मेरे हस्बैंड की जानकार बहुत है यहाँ पे, तो मिल जाता था पास। और इस बार तो लाइन इस बार भी लगा था, भीड़ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारे लोग उठ के यहीं पे चले आए थे, जैसे ही पता चला कि मलखान सिंह का पंडाल बना है, तो हम पंडाल देख के अब बाहर निकल गए, कि बहुत ही प्यारा बहुत ही प्रीटी सा पंडाल था, और बहुत ही अच्छी से उन्होंने सजावट बहुत अच्छे से कर रखी थी। तो यहाँ से हम देखने के बाद अब बाहर निकल रहे हैं कि थोड़ा बहुत अब कुछ खाया पिया जाए, आइसक्रीम वगैरह, क्योंकि अब एक बच्ची है तो बार बार जिद कर रही थी कि मम्मा सिर्फ ऐसे ही जाइएगा, कुछ खाइएगा नहीं, ऐसे ही जाइएगा। हम कहा चलो देखते हैं, क्योंकि दुकानें वगैरह स्टॉल वगैरह कुछ नहीं लगा था दोस्तों,
सिर्फ पंडालें बनी हुई थी, मूर्तियां रखी हुई थी, बस ऐसे ही एक आध आइसक्रीम के ठेले वगैरह लग गए थे। तो ये देखिए हम इधर आ गए। अब हम इधर अपने कुछ बेटी के लिए भेलपूरी, वो उसकी जिद थी तो उसे भेलपूरी दिलाया और हमने एक एक आइसक्रीम लेके खाया, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी जैसी हो रही थी तो हम सोचे क्यों ना आइसक्रीम खा लें। तो दोस्तों सब जगह से घूम फिर के हम आ गए हैं होटल में, रेस्टोरेंट में, जो कि प्योर वेज रेस्टोरेंट है। और मुझे ये यहाँ के दो फेमस रेस्टोरेंट, फेमस नहीं, यहाँ के दो रेस्टोरेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों, जो कि प्योर वेज है, क्योंकि मैं हम वेजिटेरियन है तो मुझे वेज रेस्टोरेंट ही अच्छे लगते हैं। और ये हमारे एरिया का कर्नल रेस्टोरेंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और एक पूजा स्वीट है जो कि वो भी बहुत ही ज़्यादा है। तो हम यही दो होटल में ज़्यादातर खाना खाते हैं। तो ये देखिए हमारा खाना भी आ गया है, हमने पनीर कोल्हापुरी एंड वेज हैदराबादी मंगाया था, और येलो दाल, फ्राइड राइस थे एंड तंदूरी रोटी, रायता, पापड़, सलाद, सारा कुछ था। तो हमने खाना हमारा सर्व हो रहा था, और सर्व होने के साथ ही हम खाना खाएंगे। तो देखिए तंदूरी और मसाला कुलचा भी हम मंगाए थे, एक एक तंदूरी भी मंगाए थे, क्योंकि अब कहीं भी स्टॉले वगैरह आपको दुकानें नहीं देखने को मिलता। हम ने सोचा कि क्यों ना चल के हम होटल में ही अब खाना खा लें। तो पूजा स्वीट में गए तो दोस्तों इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, जैसे लग रहा था पूरा जमशेदपुर उठ के वहीं पर चला गया हो। तो वहाँ से हम लौट के आ गए अपने एरिया में। ये हमारे घर के बस करीब 15 मिनट का रास्ता है मेरे घर से, और ये कर्नल रेस्टोरेंट है। तो ये देखिए मेरा खाना लग चुका है, अब हम खाना अपना एंजॉय करेंगे। आज है विजयदशमी और मैं अपने माता रानी के मूर्ति का भसान करने जा रही हूँ। तो मैंने रेडी हुआ, मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग। तो दो दोस्तों, ये देखिए मेरी बेटी, तो हम लोग दुर्गा जी का भसान करने चलेंगे। तो थोड़ा सा ऐड करूँगी क्लिप, और सॉरी मैं नवमी का भी मैं वीडियो अपलोड नहीं की हूँ, आज कल परसों तक में हो जाएगा। तो एंजॉय कीजिएगा, देखिएगा। तो चलिए, और ये है मेरे कुर्ती का बाजू का सिलवेस का डिजाइन। तो चलिए मिलते हैं आपसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सुबह इसी में हम ऐड कर दिए थे। तो हम होटल से खाना खाने के आने के बाद कोई बल्ले कंटिन्यू नहीं कर पाई, मुझे नींद आ गई, बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो हम सो गए सुबह मॉर्निंग में, मैं करीब बज रहे थे 10:30, सॉरी करीब बज रहे थे 9 बज रहे थे दोस्तों। तो मैं मूर्ति विसर्जन करने के लिए हम लोग जल्दी से रेडी होके और मूर्ति विसर्जन करने के लिए देखिए गंगा घाट पे आ गए हैं। यहाँ का स्वर्ण रेखा नदी है, तो जो कि गंगा जी यहाँ पे रहती हैं। देख सकते हैं कि कई मूर्तियाँ हैं यहाँ पे विसर्जन। यहाँ तो ऐसे तो हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है दोस्तों, मतलब आपके पैर रखने का भी जगह नहीं मिलेगी, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, इतना भीड़। बट सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमें ये सब करना था, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ इकट्ठा पुलिस नहीं होने दे रहे थे। जैसे लोग आ रहे थे वैसे उन्हें हटाते जा रहे थे।
तो हमने भी इधर साइड में देखिए मैं अपने माता रानी को लेके बस विसर्जन करने जा रही हूँ। और मैंने बिल्कुल छोटा सा, ये देख सकते हैं, मैंने मूर्ति विसर्जन रखी थी, मैं छोटा सा मूर्ति रखी थी, पता नहीं क्यों मेरे, मैं जब सामान लाने गई पूजा कर रहा, तो मैं मूर्ति देखी तो मेरा बिल्कुल मन नहीं, मतलब ऐसा मेरा मन हुआ कि मैं मूर्ति ले ही लूँ, और मैंने मूर्ति ले लिया और मूर्ति ले कर विसर्जन करने आ गई। तो भी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, रही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कॉमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि आगे इसके बाद मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, मैं थोड़ी थोड़ी सी क्लिप आप लोगों को सोची कि मैं दिखा दूँ कि मैंने अपने नवरात्रि में घूमा फिरा भी थोड़ा बहुत, विसर्जन भी किया, तो कैसे किया दोस्तों। तो यही है हमारा आज का ब्लॉग और मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कॉमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप भी इन्जॉय कीजिए।